फ्रेंड, इस समय आम का सीजन चल रहा है, इसलिए मैं आज आम की बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान पर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें आपको केक का भी मज़ा मिलेगा और मैंगो रबड़ी का भी। पर हमको ना तो केक का सामान चाहिए, ना ही घी, मावा, कंडेंस मिल्क या चाशनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए। अभी ये आधा लीटर दूध है, मैं ले रही हूँ, अभी आधा लीटर और डालूँगी। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, कच्चा लें या पका हुआ लें, लेकिन फुल क्रीम दूध लेना है। ये आधा लीटर दूध मैं और डाल रही हूँ। कुल हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध में उबाल आ गए हैं। अभी ये उबाल हमें हाई फ्लेम में ली है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा दूध आधे से भी कम ना रह जाए। हमारा दूध पकते पकते ये आधा से भी कम रह गया है। ये जो इसके साइड में किनारे भी हम इसमें स्क्रैच कर लेंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमने आधा कप ली है, ये 6 टेबल स्पून चीनी है। चीनी को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद एक बार हमारा दूध फिर से और थोड़ा पतला होगा। दूध को बराबर चलाते हुए हम चीनी घोलेंगे। ये हमने 2 आम लिए हैं। आम हमने दशहरी लिया है, आपके पास जो आम हो वो ले सकते हैं। आम का कलर अच्छा होना चाहिए, जैसे दशहरी आम काफ़ी अच्छा कलर रहता है इसका, ये देखें। तो हमको 1 आम का पल्प बनाना है, मतलब उसका पेस्ट बनाना है, और 1 कप हमको छोटा छोटा काटना है। तो 1 आम का ये ऊपर और नीचे का ये ऐसे पोर्शन हम निकाल लेंगे। इसके हम पीस कट कर लेंगे छोटे छोटे, और इसको हम त्योरी बनाने में यूज़ करेंगे। तो दोनों आम के साथ हम यही करेंगे। तो छोटा छोटा काटने के लिए ऐसे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये छोटे छोटे कट हमने लगा लिए हैं। अब हम चम्मच से इसको डालेंगे दोनों, क्योंकि सफाई से हमारे पीस निकल आते हैं। इसका पहले हम छिलका निकाल देते हैं। अब इसका भी हम निकाल लेते हैं, इसका हम पल्प निकाल लेंगे। मैंने 2 आम लिए हैं। अगर आपके आम बहुत छोटे हो तो आप 3 भी ले सकते हैं। ये जो हमने आम का पल्प निकाला है, अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी त्योरी वाला जो आम है वो 1 कप के करीब है। तो इसे आम का अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि अगर आपका आम छोटा है तो आप 3 आम ले लें। चीनी हमारी घुल गई है, और जो ये मैंगो की प्योरी हमने बनाई है, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके आम में किसी तरह का रेशा हो तो इसको हम छन्ने से छान लेंगे पहले। अब इसको हम मिक्स करेंगे। आम का पल्प डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बराबर चलाते हुए इसको 3-4 मिनट पकाएंगे। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, हमको ऐसी थिकनेस चाहिए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको पहले ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। अब ये हमने 6 ब्रेड ली हैं, इनका हम किनारा निकाल लेते हैं पहले। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा कोई बोल चाहिए। आपके पास ऐसा बोल हो तो वो ले लीजिए, वरना आपके घर में बच्चों के टिफ़िन तो होंगे तो हम इसको भी ले सकते हैं। अगर ये टिफ़िन भी नहीं है तो हम कोई गोल डिब्बा भी ले सकते हैं, बस हमको थोड़ा ब्रेड सेट करनी पड़ेगी। तो ऐसा डिब्बा सबके घरों में होता है, तो आज मैं इसी टिफ़िन में बना रही हूँ। अब जो ये ब्रेड हमने काट कर रखी थी किनारे, अब इनको लेंगे और ब्रेड हम इस टिफ़िन में सेट करेंगे। हमको ब्रेड की 1 लेयर बिछानी है। ब्रेड की लेयर हम बिछा देंगे। इधर थोड़ा जगह बची है तो हम ब्रेड काट कर लगाएंगे। डाल के
आप ऐसे ही गोल टिफिन में भी ले सकते हैं। बस इसी तरह से काट कर ब्रेड हम मैनेज कर लेंगे। ये देखिए अब एक लेयर ये पूरी बन गई है। ये जो दूध और आम से हमने रबड़ी बना कर रखी है ये ठंडी हो गई है। अब इस रबड़ी को हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो हम अपनी रेसिपी बनकर रहे हैं इसमें दो लेयर करने हैं। तो आधी हम अभी ब्रेड के ऊपर डालेंगे। इसको हम अच्छे से पूरे में फैला देंगे। ये रबड़ी की एक लेयर हमने लगा दी है और जो आम काट कर रखे हैं अब इनको हम इसके ऊपर से डालेंगे। इसकी भी एक लेयर हम पूरे में लगा देंगे कटे हुए आम की। इस आम को किसी स्पून की मदद से हम इसको बराबर कर देंगे। अब हम फिर से ब्रेड की एक परत लगाएंगे। जैसे पहले नीचे लगाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमने 6 ब्रेड ली थी। हो सकता है आपके बर्तन के हिसाब से 1-2 ब्रेड ज़्यादा या कम भी लग सकती हैं। ब्रेड हमारी सेट हो गई है। अब जो ये बची हुई रबड़ी है अब इसके ऊपर से हम इसको डालेंगे और बिल्कुल पहले की तरह इसकी भी एक लेयर सेट करेंगे। ये रबड़ी की दूसरी लेयर हमने सेट कर दी है। अब हम इसमें इसके कट लगा देंगे। जैसे हमको पीस बनाने होंगे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, तो एक कट हम लगा देंगे। आपको जितने बड़े पीस काटने हैं उस हिसाब से हम इसमें कट लगा देंगे, जिससे बाद में निकालने में आसानी होगी। अब इसके ऊपर हम कटे हुए आम से ही गार्निश करेंगे। ये आम के कुछ पीस पहले ही आप निकाल लें या एक अलग आम से भी हम ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक एक पत्ती हम पुदीना की रखकर गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे केवल आम और पुदीने से ही गार्निश करें या केवल आप ड्राई फ्रूट से ही गार्निश कर लें, तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब इसको हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये ठंडी भी हो जाएगी और सेट भी हो जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो इसको आधा घंटा के लिए हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब 2 घंटे हो गए हैं और हमारी मिठाई भी ठंडी हो गई है, तो इसको अब हम सर्व करते हैं। पर फ्रेंड्स, आपसे एक बात करनी है। मैंने इस मिठाई को तो बना दिया पर इसका कोई नाम नहीं रखा है। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इस मिठाई का सही नाम क्या होगा। इसको काटने के लिए हमने कट लगा दिए थे, फिर से हम एक बार वहीं से कट मारेंगे और इस मिठाई को निकालेंगे। लीजिए फ्रेंड, मैंने इसे सर्व कर दिया। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतनी कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हुई है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत टेस्टी लगेगी और इसे आप बार बार बनाकर और बनवा कर खाएंगे। और इसका नाम आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इसका सही नाम क्या होगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर लीजिएगा। थैंक यू।